हेलो फ्रेंड्स, मैं सी आरती अग्रवाल ऑन बिहाफ ऑफ ई फाइलिंग वर्ल्ड आप सबका हमारे जीएसटी वेबिनार सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप कोई चालान के थ्रू अपने टैक्स का पेमेंट करते हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ डिस्पोज ऑफ करते हैं और फिर उसकी प्रोसेसिंग में आपको इश्यूज आते हैं, आप उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, आप कहाँ पे अपने ग्रीवियंसेस को अपलोड कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली जब आप जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं तो डिफरेंट हेड्स में आपको कुछ लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करना होता है। वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो सकती है, इंटरेस्ट लाइबिलिटी हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है, लेट फीस की लाइबिलिटी हो सकती है। सो फॉर दैट द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ आपको एक चालान जनरेट करना होता है। चालान किस तरह से जनरेट करते हैं उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वन मोर थिंग, हियर इज़ एन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, सो दैट हम जितने भी इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उन सबका बेनिफिट आप ले पाए। अब हम आज के डिस्कशन पे आते हैं कि कैसे आपको ग्रीवियंसेस को अपलोड करना के अगर आपकी चालान की प्रोसेसिंग में कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, आपको लॉग इन करना होता है जीएसटी पोर्टल पे। दिस इज़ द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, यूज़र सर्विसेज पे जाना है और उसके बाद में ग्रीवियंसेस और कंप्लेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप कोई ग्रीवियंस पहले ही फाइल कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको उसका नंबर देना है। ग्रीवियंस टाइप में जाकर ग्रीवियंस अगेंस्ट पेमेंट जीएसटी पीएमटी 07 का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब ग्रीवियंस रिलेटेड टू में हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका इशू ये हो सकता है कि आपने जो पेमेंट करा हुआ है चालान के थ्रू उसकी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट तो हो गई है, बट अभी तक उसका जो क्रेडिट है वो आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। या फिर आपको जो दूसरा इशू आ सकता है वो NEFT या RTGS से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जो भी आपका रेलिवेंट इशू है आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेयर पर्सन हु इज़ रिपोर्टिंग द ग्रीवियंस। यहाँ पर बेसिकली उस पर्सन की इंफॉर्मेशन आनी है जो कि ग्रीवियंस को फाइल कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर आप लॉगिन करके ये ग्रीवियंस फाइल कर रहे हैं तब तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी रहता है कि आप विदाउट लॉगिन अपने ग्रीवियंसेस को अपलोड कर दें, इन दैट केस आपको मैनुअली ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अपलोड करनी होती है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीवियंसेस, यहाँ पे जो भी आपका इशू है वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपका जो भी चालान है या कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको आप यहाँ पे ब्राउज करके अटैच कर दीजिए। दो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कि आपकी जो फाइल है दैट मस्ट बी ऑफ PDF या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, एंड द सेकेंड इंस्ट्रक्शन है कि उसका मैक्सिमम साइज़ जो होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ 500 KB। अगर साइज़ आपका ज़्यादा है तो आपको पहले उसे रिड्यूस करना होगा, तभी ये अलाउ करेगा इस फॉर्म पे अपलोड होने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आती है डिस्क्रिपेंसी इन पेमेंट। यहाँ पे आपको अपना CPIN नंबर, जैसे ही आप अपना CPIN नंबर एंटर करते हैं ये नीचे कुछ डिटेल आ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट करने के एटलीस्ट 24 आवर्स तक यू शुड वेट, क्योंकि उसके बाद ही आपका कैश लेजर अपडेट होता है। अगर विद इन 24 आवर भी आपका लेजर अपडेट नहीं होता है उसके बाद ही आपको अपने ग्रीवियंसेस की जो भी कंप्लेंट्स हैं वो इस पर फाइल करनी चाहिए। यहाँ पे मोड ऑफ़ पेमेंट दे दिया है कि किस मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया था, डेट ऑफ जनरेशन, दिस इज़ ऑल्सो ऑटो पॉपुलेटेड। पेमेंट डिटेल्स में आपका आ जाएगा आपने किस किस हेड में कितनी कितनी अमाउंट पे करी थी, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कैश एंड डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक और DD। यहाँ पे आप वो डेट सेलेक्ट कर देंगे जब आपने पेमेंट किया था। नेम ऑफ बैंक ऑटो पॉपुलेटेड होता है। यहाँ पे आपका BRN नंबर आ जाएगा। उसके बाद में आप इसे टिक मार्क करके ऑथोराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करके आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के लिए दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप इसे DSC के थ्रू सबमिट कर सकते हो या EVC के थ्रू सबमिट कर सकते हैं।
जब आप DST के थ्रू इसे सबमिट करते गए तो ये आपको एक वार्निंग देता कि दीज इन्फॉर्मेशन आर बी कलेक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रपोज्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 दिस ऑल द फील्ड इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द एनेक्सेस आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन इन द GST रेजिम देयरफॉर इन केस ऑफ मिसलीडिंग रॉन्ग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विद और विदाउट एविडेंस शैल अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ कैंसिलेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ प्रपोज्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट तो ये बेसिकली आपको एक वार्निंग दे रहे हैं कि इस पर कोई भी आप मिसलीडिंग फैक्ट मत डालिए या गलत फैक्ट मत डालिए जो भी डाले जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डाले। सेकंड ऑप्शन आपके पास में रहता है सबमिट विद EVC। इस ऑप्शन के थ्रू आपको एक OTP भेजा जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और उस OTP को यूज़ करके आप अपना फॉर्म फाइल कर सकते हैं। एक बार हमारा ये फॉर्म फाइल हो जाता है हम इसे सबमिट कर देते हैं देन GST पोर्टल एक ग्रीवियंस ट्रैकिंग नंबर जनरेट करता है जो हमारी उस ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है जो कि हमने अभी ग्रीवियंस फॉर्म को फाइल करते टाइम में प्रोवाइड करी थी। वंस यू गेट दैट आईडी आफ्टर 10 मिनट्स आप चेक कर सकते हो कि हमारे ग्रीवियंसेस का क्या स्टेटस रहता है। लेट्स हैव अ लुक कि हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंक्वायरी स्टेटस पे जाना होता है। यहाँ दो ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं एक ग्रीवियंस नंबर और एक डेटा रेंज। ग्रीवियंस नंबर के थ्रू आप स्पेसिफिकली जो नंबर प्रोवाइड करेंगे उसका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपको दिया जाता है डेटा रेंज का जिसमें बिटवीन 2 डेट्स या ऑन अ सिंगल डेट जो भी आपने ग्रीवियंसेस फाइल करे थे उसकी डिटेल वो यहाँ पर दे देता है। दो मैंने अभी कोई भी अपना रिकॉर्ड आज की डेट में सबमिट नहीं किया गया इसलिए वो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने ग्रीवियंसेस को अपलोड कर सकते हैं GST पोर्टल पे और उसकी जो भी स्टेटस है उसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। होपफुली फ्रेंड आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए सो दैट हम GST से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करें उसका बेनिफिट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।